कैसे आप सभी। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड मैं कर रही हूँ फेस वॉश। आजकल मैंने अपना स्किन केयर रूटीन चेंज किया है, मैंने प्रोडक्ट भी चेंज किए हैं और मेरे जो स्किन है ना उस पर मुझे काफ़ी चेंजेस नज़र आए हैं प्रोडक्ट चेंज करने के बाद। चलिए बताती हूँ कौन सा। सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश किया, उसके बाद हल्के हाथों से टॉवल की हेल्प से अपना फेस को अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया। एंड गाइज उसके बाद मेरे पास है ममा अर्थ का ये राइस रेंज। एक है मेरे पास ममा अर्थ राइस वाटर टोनर फेस क्रीम और एक है ममा अर्थ राइस वाटर डी वाई फेस टोनर। ये दोनों प्रोडक्ट आजकल मेरा फेवरेट है, स्पेशली ग्लास की तरह आपको आपकी स्किन चाहिए तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें। 96% इसमें राइस वाटर का यूज़ किया गया है। सबसे पहले मैं टोनर यूज़ करती हूँ। इस टोनर में यूज़ किया गया है राइस वाटर एंड नियासिनमाइड 4%। ये आपकी स्किन को ना क्लीन करता है जो भी डार्क स्पॉट्स हैं। एंड आप देखोगे ना तो जैसे आपको लगेगा कि आपके हाथ में बिल्कुल जो चावल का पानी होता है ना बिल्कुल वैसा ही ये टोनर आपको नज़र आए एंड हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। और जो नियासिनमाइड होता है वो हेल्प करता है रिड्यूस करने में पोर्स को एंड काफ़ी लाइट वेट है एंड क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। एंड उसके बाद जो मेरा सेकेंड स्टेप है मैं यूज़ करती हूँ राइस वाटर टोनर फेस क्रीम। इसमें भी नियासिनमाइड है एंड राइस वाटर है। एंड गाइज आपको एक चीज़ पता है, ये ना क्रूशल फ्री है। ये ना नियासिनमाइड प्रोमोट करता है इवन स्किन टोन को, लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, ब्राइट करता है आपके स्किन टोन को। एंड आप थोड़े दिन में रिजल्ट देखोगे, आपकी स्किन पे जो भी छोटे छोटे ब्लैक या ऐसे हो जाते हैं ना अजीब अजीब से धब्बे धब्बे टाइप, वो ना ये क्लीन कर देता है। नॉर्मली हमने सुना ही है कि हमारे घर में काफ़ी टाइम से राइस वाटर को यूज़ किया जाता है हेयर में और स्किन के लिए, बट अभी के जनरेशन में इतना समय कहाँ है कि इस तरीके से यूज़ किया जाए। तो इस तरीके के प्रोडक्ट ममा अर्थ ने लॉन्च किया हुआ है जो आपकी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करेगा आपकी स्किन को ब्राइट करने में। मैं हो गई हूँ रेडी और अपना झटपट वाला स्किन केयर कर लिया। ये मेरा सीक्रेट था जो मैंने आज आप सभी के साथ शेयर किया है एंड सच में इसका रिजल्ट अमेजिंग है। फेस इतना मतलब ग्लोई ग्लोई और वो क्लीन क्लीन सा लगता है। अमेजन नायका फ्लिपकार्ट एंड पर्पल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। साथ में आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, ममा अर्थ ना अपने प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान देता है। आप ना ममा अर्थ के प्रोडक्ट से फीडबैक भी उनके साथ शेयर कर सकते हो और वो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में काफ़ी चेंजेस करते हैं। जैसे उन्होंने अपने अनियन रेंज में किया था आपके फीडबैक के हिसाब से। सो किसी बात की भी देरी ना करें, जल्दी से डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया। पापा जी ने बोला है कहा पापा जी कल से काफी आऊंगा। ये वाला ब्लॉग ना आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। ये रात को 12:30 बजे का टाइम है। पापा जी अचानक से मेरे रूम में आते हैं। वैसे पापा जी ना हमारे रूम में कम आते हैं, मतलब हमारे रूम में नहीं आते हैं, बेड वेड पे नहीं बैठते हैं। ये हमारे यहाँ ऐसा होता है तो वही चीज़ें पापा जी फॉलो करते हैं। बट आज ना अचानक से रूम में आए और उन्होंने कहा तो मैं समझ गई कि पापा जी आ रहे हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही होगा। और वो आए और दोनों बहू को ऐसी चीज़ें बोली ना कि आपको भी सुन के एकदम हंसी आ जाएगी। और उस चीज़ से आप क्या एग्री करते हैं या नहीं करते हैं कमेंट में बताइएगा। आप कंटिन्यू देख रहे हो, मैंने ना वॉइस म्यूट कर दिया बिकॉज भोजपुरी में ना पापा जी कुछ ना कुछ मुझे बोल रहे थे कंटिन्यू। जितनी देर वो रूम में रहे हैं उतनी देर उन्होंने मुझे डांटा है और ये ऑन कैमरा मैंने आपको दिखा रही हूँ कि देखो पापा जी हमें किस तरीके से डांटते हैं। वर्ड्स से ही वो कुछ कुछ ऐसा बोलेंगे ना कि आपको हंसी आएगी, गुस्सा नहीं आएगा। उसके बाद फिर मतलब पूजा पाठ बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है तो वो सारा डिस्कशन चलने लग गया था मम्मी और पापा में। और मुझे लगता है जब एज हो जाती है ना तो एक दूसरे की बातें इंसान को मैच नहीं कर पाता है, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ वही कुछ चल रहा है मम्मी पापा का आपस में। तो मैं टहल टहल के दोनों पे हंस रही थी कि मज़ा आ रहा था मुझे तो दोनों का। अच्छा लगता है भोजपुरी में आपस में जैसे करते हैं ना मुझे अच्छा लगता है। अब सुनिए पापा जी की बात। देखो एक रोटी खा के गई मन
और मनोज बड़ा नहीं उनका मामा पिया के तो एगो शंकर आए रहले अनु रामचंद्र के रूम में आ गया मन बेस्ती का अरे बाबू देखो शंकर बाबू का सुदेश के देखो कतरा बढ़िया किया के लोग पट्टा करा वो देखो तो दादी क्या कर रही है तू चल रखा लगी के लड्डू बाबू खाला का तू चल रखा माइक के खियाल दे दे खत्म कर दे लो बड़ी करके वाह माई के जगह कौन मेहरारू ले पाई पापा जी जिंदगी में सात जन्म ना लिया है एक तो फिर लड़का हमारे बात नहीं दी आती यह लड़का मैं दुको खा सम तीस एक तीस डब्बा पैंतीस डब्बा जन बात हम काजू बादाम चाय वो खा सकते हैं अंतु हम की अजी का सुनी अब बाकी खास बुर्जेस जगह की बगली में बहुत बड़ी है का एक गिलास दूध हम दे दे रे कॉफी पी है से हम दे दे एक गिलास पिए बढ़िया जरा पूरे तो हम दे रोज फोटो खींच के रख ले ना फिर का समझ आएगा ठीक बा ठीक हां मैं आपको बताती हूँ जो बिहार से नहीं है उनको कि मतलब पापा जी क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों बहू ने मिलके मेरे दोनों बेटों का शरीर वो कर दिया कि माँ के जब राज में थे तो माँ पूरा वैसे खिला पिला के शरीर एकदम बना रखी थी और इन दोनों ने वो कर दिया एक्चुअली पता नहीं क्यों ये दोनों भाई ना मतलब वही नहीं हो रहे हैं हेल्थ ना अजीब सी होती जा रही है इनकी क्या हम सबकी होती जा रही है अजीब सी हेल्थ और वही पापा जी आज मेरे रूम में आके और तब ये सब बोल रहे थे गुस्से में कि वो है मतलब पापा जी का ये है ना कि वो उनको लगता है कि ये खाए वो खाए लेकिन मेरे हस्बैंड ना बहुत चूज़ी हैं जैसे वो दूध नहीं एक ही टाइम पियेंगे वो बनाना शेक नहीं पियेंगे तो इसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें मेरे को करनी पड़ती है लेकिन अब ये सारी चीज़ें मैं पापा जी को क्या बताऊँ फिर ये सब चीज़ों से पापा जी रोज़ सुबह मुझे डांटते हैं कि ये नहीं दिया ऐसे नहीं दिया वो नहीं दिया लेकिन उनके बेटे खाते नहीं हैं ये चीज़ मैं बता बता के थक गई हूँ और बस ये तो होता है पता है आपको कितना भी कोई कर ले लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है माँ का जो खिलाया पिलाया है वो मुझे लगता है वैसा ना कोई बीवी खिला सकती है कोई नहीं खिला सकता है मुझे ऐसा लगता है बाकी सबकी सोच अलग अलग और यहाँ कुछ सामान आया हुआ था ये मिर्ची पापा जी रौरा से वो प्यार ना करे ली तो काहे के खिलाओ तनी अपना दादी से करे ली हां सवेरे को सवेरे कहत रहैया बाबा तो कर देखो हम कितनी चला गए पापा जी मत करी बोल रही थी धनवी की मैं दादी से प्यार करती हूं तू लोग कौन है बाबा प्यार नहीं करते हैं धनवी बाबा प्यार नहीं करते हैं रानी भी क्या है हम रानी भी क्या है हाँ ना आये हम रानी ओ हो अरे हम भौन ओ हो नाटक देखो नहीं अभी पापा इस रूम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज आज हम लोग इसी रूम में लेटे हुए हैं संडे का दिन है उधर वाले रूम में दोनों बच्चे हैं टीवी देख रहे हैं रवीना है उधर टीवी है तो इधर मैं इस रूम में बैठी हूँ कई हंसी मजाक यही सब चलता रहता है घर में उसके बाद मैं और पतिदेव थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए निकले यहाँ पे हमारे घर नया मोटर लगा हुआ था तो वही हम लोग देख रहे थे ऑन करके चलिए गाइस चलते हैं मिलते हैं आप लोगों से कहाँ जा रही हो रवीना दिखो तो इधर तो गाइस बहुत दिनों बाद आज हम लोग निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पे और हम दोनों मियां बीवी नहीं है हमारे साथ दो कबाब में हड्डी है धनवी और रवीना रवीना को हमने बोला कि चलो रवीना थोड़ा तुमको घुमा के लाती है तो कह रही हाँ भाभी चलो चलो कुछ खिला के लाते हैं बाहर से सब पतिदेव जा रहे थे अपना पेट्रोल के काम से तो हम भी पीछे लग गए कि थोड़ा हमें भी ले चलो कुछ खिला देना क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोग घर से आजकल बाहर ही नहीं निकल पा रहे क्या बेटा और गाइस चलिए चलते हैं और चलिए चलते हैं और आपको पता है दो दिन की छुट्टी थी शनिवार और इतवार और ये एक बार भी शॉपिंग में नहीं लेके गए क्या बेटा ठीक है खिला देंगे आपका गला खराब है ना लेकिन धनवी और गाइस करवा चौथ का इस बार गिफ्ट भी देखते हैं क्या मिलता है
आप लोग भी गाली दोगे कि शर्म नहीं आती थी कि अभी तीज पे ऐसा गिफ्ट लिया है, अभी भी करम चौथ के गिफ्ट फिर शुरू हो गए। नहीं भाई, अब मैं पिछले आने वाले एक आध साल कोई गिफ्ट नहीं मांगने वाली, स्पेशली गोल्ड गिफ्ट तो बिल्कुल नहीं मांगूंगी। हाँ, थोड़ा बहुत चलानी उलानी कुछ मांग लूंगी, साड़ी वाड़ी मांग लूंगी, वैसे बिना मांगे कुछ मिल जाएगा तो वही अलग बात है, मांगूंगी नहीं यार। नहीं गाइस, मांगूंगी नहीं, अभी तो हमारे घर में शादी है तो वैसे ही इतनी शॉपिंग होगी, बट अब देखते हैं। करवा चौथ की शॉपिंग करनी है, सोचा था कि आज सैटरडे संडे में चले जाएंगे, लेकिन इनके ऑफिस का मतलब वो था, काम था, तो जिसकी वजह से हम लोग कहाँ जा पाए। अब अगले सैटरडे संडे देखेंगे। क्या बेटा, मेरी नई चप्पल मम्मा पहनेंगी। सीट बेल्ट लगा लेते हैं। आपको कैसे पता था धनवीर? और इसने तभी ना तुम्हें बताया कैसे? ऐसे ही था ना लटका हुआ, तो कह रही मम्मा के जैसा ही वो, देखो कैसे लगा के बैठे। मम्मा को तो पता ही नहीं था, अभी गाड़ी में पीछे भी सीट बेल्ट होता है मेरा बच्चा। अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो हमारी सुबह हो चुकी है, सुबह सुबह ये है पापा जी की टी, जो कि सुबह सुबह गर्म पानी में हम लोग डाल के देते हैं। तो सबसे पहले सुबह होते ही इसी चीज़ से सुबह होती है, पापा जी को ये चाय दिया, और उसके बाद फिर मैं अपना जो किचन का काम है उसमें लग गई थी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मसाला वगैरह पीस रही थी सब्जी के लिए। आटा मैंने गूंद लिया था, प्याज लहसुन टमाटर सारी चीज़ें काट ली थी। अब धीरे धीरे घर में और भी सभी लोग उठ रहे हैं, और गाइस सुबह सुबह ना मतलब मेरा अभी ऐसा मैंने किया हुआ है कि कुछ ब्रेकफास्ट अलग बनाऊंगी, और उसके बाद जो लंच है वो कुछ अलग बनाऊंगी, ताकि ये भरपेट खाएं, बिकॉज़ आजकल सच में हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और साथ में आज मैंने सोचा है कि पोहा बनाऊँगी इनके लिए, और पराठा और सब्ज़ी मैं लंच में दे दूँगी। पता है आपको, फ्रूट्स में भी बहुत चूज़ी हैं कि ये वाला फ्रूट खाना है, ये नहीं खाना है, और शेक वगैरह में भी मतलब बनाना शेक नहीं पीना, तो ये नहीं पीना, हर चीज़ में ना बहुत चूज़ी हैं। पता नहीं सच में मम्मी ने कैसे वो किया होगा। मैं तो सोचती हूँ जब छोटे होंगे तब कितने नखरे होंगे, अभी तो इतने बड़े हो गए तो इतने इनके नखरे हैं कि ये खाना है ऐसे खाना है, ठीक है। और मतलब एक चीज़ इनकी ये चीज़ है कि जैसे एक होता है ना खाने को लेके कि स्पाइसी है ये है, इन सब चीज़ों में उनका इशू नहीं है कि मिर्च ज़्यादा है नमक ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी खा लेंगे, लेकिन ना थोड़ा सा ये है कि रोज़ जैसे डेली डेली की एक ही चीज़ नहीं खाएंगे, उसके लिए इनको थोड़ी चीज़ें अलग चाहिए। अभी यहाँ पे मम्मी से मैं पोहा के लिए पूछ रही थी कि पोहा का वो कहाँ है, बिकॉज मुझे मिल ही नहीं रहा था, ये चूड़ा हमारे गांव का है, तो वही मैं देख रही थी कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पोहा नहीं बना है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले सब्जी बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद रोटी बनाऊँगी, तब तक वो कर लेती हूँ, सब्जी बनाने के बाद पोहा और फिर रोटी बाद में बना लूँगी। यहाँ पे बाबू के लिए दो रोटी बन रही है। तो गाइज इसी तरीके से सुबह का जो काम है वो झटपट झटपट होता है। गाइज मेरा पोहा भी बन गया और मेरी सब्जी भी बन गई, अब मैं झटपट से रोटी बना लेती हूँ लंच के लिए। धनवी का भी लंच रेडी करना है, और देखती हूँ आज मैं धनवी को लंच में क्या दूंगी। सारे काम झटपट मेरे हो गए थे सुबह के। उसके बाद आपको पता है मैं रोटी दो या तीन बार में कर करके थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, कभी कुछ करती हूँ कभी कुछ करती हूँ, फिर करके रोटियाँ मेरी ऐसे बनती है। आप लोग कैसे बनाते हैं, एक ही बार में बना लेते हैं सारी रोटी? हाँ, मेरे जो ब्लॉग्स देखते हैं वो तो हमेशा मुझे कमेंट करते हैं कि रोटी बना ली आपके ब्लॉग्स देख देख के, बट मैं किसी के भी ब्लॉग्स देख के नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही अपने ही उसमें लगी रहती हूँ। सो गाइज, आप सबको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कमेंट में बताइएगा। कल है जूतिया का नहाए खाए, 25 को है जूतिया जो कि व्रत है, तो उसके ब्लॉग सब आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। मैं एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे धनवी नहा रही है और उसको नहलाने में रवीना, पापा जी, मम्मी तीनों जने लगे हुए हैं, वो एक एक करके उसने सबको बुला लिया। हाँ रवीना, धनवी को मम्मी भी नहलाती है, मम्मी करती है, मैं अपने किचन के काम में लगती हूँ, उसका लंच पैक करती हूँ, ये सब करती हूँ, फिर मम्मी नहला के धनवी को और मस्त एकदम तैयार व्यार कर देती हैं स्कूल के लिए। मेरा काम मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ गई, तबीयत मुझे लग रहा है ख़राब हो गई, क्योंकि मेरा ना पूरा जुकाम से गले का पूरा खराब हो गया। अरे हम आ गए, ओहो।
देख रहे हो, एक बच्चे को नहलाने के चक्कर में दादी और कावा लग गए, वो नहा ही नहीं सकती है। पता है मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ना नहलाने की, तो क्या करती है, रोने लग जाती है दादी दादी करके। और पापा जी बोलते हैं कि पक्का चिमटी काट के उतारती होगी, तो वो मेरे से नहाती नहीं है, वो मम्मी से ही नहाती है शुरू से। सभी लोग ऑफिस और बच्चे स्कूल चले गए हैं और मम्मी पापा नीचे गए हैं, अभी चाय जस्ट बना के उनके लिए नीचे भेज दिया है। मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड कर लेते हैं, और आज मुझे थोड़ा सा अपना वीडियो का काम करना है, कोलैबोरेशन का, तो वो करूँगी। एंड गाइस, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और धनवी का जो मैंने आज इसकी एक्टिविटी दिखाई, वो सुबह सुबह स्कूल वाली रोने गाने वाली, वो क्या आपके घर में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, और नहीं करते तो भी बताइएगा, करते हैं तो भी बताइएगा। एंड दूसरी चीज़ मैं कह रही थी, पापा जी का जो मैंने आज आप सभी के साथ शेयर किया, आपको पता है पापा जी का है, अभी एक दिन के लिए भी अगर धनवी अपने मामा के घर चली जाएगी ना, तो अगले दिन जब आएगी तो पापा जी कह रहे हैं देखो कैसे सुखा के लेके आ गई। ये मुझे लगता है हर ससुराल की फैमिली में एक बहू के लिए एक ये चीज़ होती है कि जब मायके अगर चले जाएं बच्चे, तो वो होगा कि ये कहेंगे कि देखो कैसे सुखा के ले आई, भले एक दिन के लिए जाए, और अगर हेल्दी होके भी आ जाए ना तो भी कोई नहीं कहता कि देखो कितना अच्छा शरीर होके आया है। और दूसरी चीज़, जो हस्बैंड लोग होते हैं उनको आप कितना भी अपना 100% देके कितना अच्छा खिला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन ससुर जी की, मेरी सासू माँ ये सब चीज़ें में नहीं है, बट ससुर जी हैं, ससुर जी मेरे बोलते हैं कि देखो मेरे बेटे का ये सुखा दिया शरीर, ये करा दिया, ऐसे करा दिया। और अगर वो किसी चीज़ से गुस्सा हो जाएंगे ना, भले गलती उनकी हो, लेकिन वो पापा जी बोलते हैं ये कुछ उकैले हुई हैं, ये कुछ उकैले हुए हैं, पापा जी सारी वो डाल देते हैं। और अगर बच्चे रो रहे होंगे तो भी पापा जी का ऐसे ही है कि पक्का ही कुछ धीरे से च्यूटी काट कर वही ले हुई है, मतलब पापा जी का ये हंसी मजाक चलता रहता है। सो गाइस, बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, खूब सारा प्यार बांटिए और खूब सारा प्यार पाइए। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और बस आप भी अपने काम में एकदम जी लगन से लगे रहिए, मैं भी लगी रहती हूँ रोज आपके लिए कुछ नया कंटेंट सोच सोच के। एकदम वो हो गया, दो दिन से तो मेरा कमेंट का एक दो कमेंट देख के बड़ा मूड खराब था, बट अभी मेरा मूड ठीक है, बिकॉज अच्छा लगा कि आप लोगों ने उनको जिसने ऐसे कमेंट किया था उसको इतना गरियाया, इतना गरियाया, इतना धोया कि वो इंसान अब दोबारा ऐसी चीजें नहीं करेगा किसी के भी चैनल पे, किसी के बच्चे को लेके। सो थैंक यू सो मच, ये प्यार सपोर्ट ऐसे ही मेरे पे बनाए रखिए ताकि बहुत सारा मेहनत करे। एंड गाइज, आपके लिए एक स्पेशल गुड न्यूज है जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करूंगी मैं। बाय बाय।